केरल के कोची में 29 अक्टूबर को ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 की हालात नाजुक बनी हुई है। केरल ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसियां कई पहलुओं पर जांच कर रही है और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन ने अकेले ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। मार्टिन 10वीं पास है लेकिन उसके पास बहुत तेज दिमाग है। उसके पास खाड़ी देश में शानदार नौकरी थी जिसे उसने छोड़ दिया। मार्टिन के बेटे आईटी प्रोफेशनल है जबकि बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है। पुलिस जब मार्टिन के घर गई तो उसके कमरे में बैटरी तार पेट्रोल बम बनाने की डिजाइन बरामद की गई। मार्टिन ने इन सामग्रियों की खरीद के बिल भी रखे थे। वह इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सपर्ट भी है। मार्टिन को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने मास्क पहन रखा था। उसने कहा कि कोर्ट में वह अपना पक्ष खुद रखेगा और यह उसकी व्यक्तिगत चॉइस है। मार्टिन के पड़ोसियों का कहना है कि वह ज्यादा बात नहीं करता था, धन को लेकर भी ज्यादा बातें नहीं करता था। उसको देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इस तरह का काम करेगा। कई बिंदुओं पर जांच हो रही है। इस बात पर भी जांच की जा रही है कि क्या मार्टिन के साथ कोई और लोग भी शामिल हैं। मार्टिन के अतीत के बारे में जानकारी खंगाली जा रही है। मार्टिन पर यूएपीए एक्सप्लोसिव एक्ट धारा 302 और 307 के तहत आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि ब्लास्ट के बाद मार्टिन ने सरेंडर कर दिया था और ब्लास्ट की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। सरेंडर से पहले उसने एक वीडियो जारी कर कहा था कि सभा में देश विरोधी बातें की जा रही थीं।